स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 2 को लेकर के, जो कि आपका गणित विषय से संबंधित कक्षा 2 का है और टॉपिक यानी प्रकरण है आज का जोड़। तो अगर आप DLS सेकेंड सेमेस्टर में हैं और लेसन प्लान सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे होम पेज पे जा करके वहाँ आप DLS सेकेंड सेमेस्टर से, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो 2018 के डाले हुए हैं, तो आप वहां से भी लेसन प्लान अपने तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर आपको 1 to 20 लेसन प्लान बताए जाएंगे, जो कि डेली आपको 2 लेसन प्लान बताए जाएंगे, तो आप यहां से भी नए लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं DLS सेकेंड सेमेस्टर के लिए। इसके पिछले वीडियो में हमने लेसन प्लान नंबर 1 को लेकर बात की थी, जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित था, वर्णमाला आपका प्रकरण था, ठीक है। आज के इस टॉपिक में हम ले रहे हैं जोड़, जो कि आपका गणित विषय से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया है, आप पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लाइन से ही चल रहे हैं, तो आप लाइन से भी लेसन प्लान नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही खींच के आप मेंशन करिएगा चीजें। जैसा पहला है दिनांक, यानी जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बना रहे होंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन करिएगा। डेट आप कॉपी मत करिएगा, इसे आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद कक्षा की बात की जाए तो कक्षा आपकी 2 है। विषय गिनतारा, ठीक है, चूंकि आपकी किताब का नाम गिनतारा है, यानी गणित जो है वो गिनतारा है, तो यहाँ पर आप गिनतारा डाल सकते हैं, या फिर आप ब्रैकेट में ऐसे गणित भी करके लिख सकते हैं। उसके बाद चक्र यानी पीरियड, इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, अदरवाइज ये चीजें आप कॉपी कर लीजिएगा। अवधि यानी टाइम पीरियड, कितने मिनट के लिए आपका पीरियड है, क्योंकि आपकी कक्षाएं छोटी हैं तो आप अवधि यानी टाइम पीरियड 30 मिनट ही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे प्रकरण, यानी जिसे आप टॉपिक कहते हैं, प्रकरण है आज का जोड़। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य, यानी जनरल एम्स, यहाँ उद्देश्य पड़ा है, आप इसके आगे डालिएगा सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके विषय से संबंधित, यानी गणित विषय से संबंधित आप सामान्य जानकारियां बच्चों को देंगे। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है दैनिक जीवन में गणित का व्यवहारिक उपयोग बताना। चौथा है छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता उत्पन्न या विकसित करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में शीघ्रता एवं शुद्धता से गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई सामान्य उद्देश्यों को लेकर के, जो कि आपके विषय से संबंधित थे। आगे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, यानी आपके प्रकरण से, जो कि जोड़ है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे छात्रों को संख्याओं के माध्यम से जोड़ के विषय में बताना। इसी तरह विशिष्ट उद्देश्य में आप और भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आप डाल सकते हैं छात्रों को जोड़ के माध्यम से उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, ठीक है। तो इस तरह आप विशिष्ट उद्देश्यों को एक से ज्यादा पॉइंट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी TLM आपने क्या कुछ यूज किया है टॉपिक को पढ़ाते समय। तो इसमें दिया है प्रकरण से संबंधित फ्लैश कार्ड, ठीक है, जो भी चीजें आप TLM में यूज करेंगे, यानी श्यामपट हो गया आपका, ब्लैक बोर्ड वर्क, चौक डस्टर, ये चीजें भी आप डाल सकते हैं इसमें। कोई चार्ट हो गया या नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई चीजें हो गई तो वो भी आप TLM में दिखा सकते हैं। फिर अगली हेडिंग देखेंगे हम। उसके बाद अगली हेडिंग आप डालेंगे पूर्व ज्ञान, यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्रों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आपने बताया छात्र पहले से ही गिनती की सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो ये थी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद देखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए करते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। इसमें आपने पहला प्रश्न किया छात्रों ये कितनी गोलियां हैं, आप ऐसे गोलियां दिखाएंगे या कंचे दिखाएंगे, बच्चे बताएंगे जितनी भी होंगी, जैसे 4 दिखाई आपने तो बच्चों ने बताया 4 है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया अच्छा ये कितनी गोलियां हैं, आपने 2 दिखाई, यानी यहाँ पर लिखा है 2 प्रदर्शित करते हुए, तो बच्चों ने बताया 2 है। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया अच्छा छात्रों 4 में 2 और गोलियां जोड़ देने पर कितनी गोलियां होंगी,
तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न था, क्योंकि बच्चे ऐसे सिंगल जोड़ के बता रहे हैं कि कितनी है, लेकिन अगर सबको टोटल करने की बात है तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई। अब यहीं से उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन में आप डालेंगे, छात्रों आज हम संख्याओं के जोड़ के विषय में अध्ययन करेंगे, या फिर आप यह भी डाल सकते हैं, छात्रों आज हम संख्या के जोड़ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया उद्देश्य कथन, जो कि आपके प्रकरण से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तुतीकरण प्रश्न की। चूंकि आप टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, उसको समझाने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित आप एक्टिवेट रहेंगे यहाँ पर, और छात्र क्रिया में छात्र भी एक्टिवेट रहेगा। इसके लिए भी आप तीन कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। इसमें आप पहला पॉइंट डालेंगे, बच्चों संख्याओं को जोड़ने के लिए जोड़ का चिन्ह, आपने बताया कि जोड़ का चिन्ह यानी प्लस एडिशन कैसे होता है, उसका आप सिंबल बताएंगे बच्चों को। छात्र क्रिया में छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों को कोई भी 4 से 5 वस्तु दिखाकर पूछता है, इसमें देखेंगे हम, जैसा कि पहले उसने दिखाया या कितनी गोलियां हैं, ऐसे गोलियां 4 दिखाई बच्चों को, तो बच्चों ने बताया 4 गोलियां हैं। फिर चौथा आपने नंबर डाला, फिर इसमें लिखा या कितनी गोलियां हैं, 2 गोलियां दिखाई, इसमें भी बच्चों ने बताया 2 हैं। आपने बताया कि कुल कितनी है, अब इनको जोड़ना है, तो बच्चों ने जब कुल की बात आई तो सबको मिला दिया एक में, फिर पूछा तो बच्चों ने बताया 6 हैं, ठीक है। फिर आपने फिर प्रश्न किया, अच्छा ये बताइए 4 + 2 कितना होता है, तो यहाँ पर उनके लिए समस्या फिर उत्पन्न हो गई। उन्हें कंचे काउंट कर लिए, ये उन्हें आता है, ठीक है, गोलियां काउंट कर ली, लेकिन वो अगर नंबर की बात आए तो उनको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हुआ तो आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे। इसमें आप लिखेंगे, बच्चों 4 गोलियां व 2 गोलियां मिलने पर 6 गोलियां बनती हैं, अतः 4 + ये निशान लगाएंगे आप, 4 + 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। तो आगे देखेंगे हम श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो आप बिल्कुल ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ब्लैक चार्ट नहीं है तो बिल्कुल आप जैसा कि यहाँ पर एक देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए ही है। ऐसे आप ब्लैक से खींच करके इसमें ब्लैक कर दीजिएगा, ये ब्लैक पेंसिल आती है, यानी जो भी आपकी कलरफुल पेंसिल होंगी उसमें ब्लैक पेंसिल भी होगी, तो उससे पेंसिल कलर से आप कलर करके ऐसे दिनांक विषय प्रकरण यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। प्रकरण मेंशन नहीं है, आप यहाँ प्रकरण डालिएगा, कक्षा चक्र अवधि, जैसे आपने फर्स्ट पेज पे किया था वैसे ही सारी चीजें डालेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य के लिए आप चाहें तो ब्लैक पेपर यूज करिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप गृह कार्य दे सकते हैं, आप पुनरावृत्ति प्रश्न डाल के दे सकते हैं, आप प्रश्नोत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है गृह कार्य, इसमें पहला प्रश्न है ये गोलियां बना दी, कितनी गोली है, ठीक है, बच्चे इनका आंसर बताएंगे या आप खुद उन्हें बताएंगे। ये गृह कार्य है क्योंकि आपने गृह कार्य में दिया है, तो आपने श्यामपट्ट पे ये चीजें दर्शाई है। इसी तरह 1, 2, 3, 4, ये 3, 4 त्रिभुज प्लस 1 जोड़ने पर क्या होगा, इसी तरह ये 4 जो है आपके वर्ग हो गए, 1, 2, 3, ठीक है, प्लस 2 और ये जोड़िए। तो इस तरह आपने गृह कार्य में बच्चों को दे दिया और बच्चे से घर से करके लाएंगे, ये आपने श्यामपट्ट में दिखाया है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में आपने दिया प्रश्न को हल करें या सरल करें, इसमें भी आप 3 प्रश्न दे रहे हैं, 2 + 3 यहाँ पर बच्चे लिखेंगे कितना आएगा, उतनी ही आपने गोलियां बना के दे दी, उससे आप ये चेक करेंगे उनका बौद्धिक स्तर जांचेंगे, कितना उन्हें समझ में आया कि उन्होंने नंबर को कैसे ऐड किया है और गोलियों को कैसे ऐड किया है, ठीक है। इसी तरह दूसरा है 2 + 4, इसमें भी आपने तीलियां बना दी या डंडियां, ठीक है। इसी तरह आपने तीसरा दिया है 1 + 2, तो ये चीजें बच्चे काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन कार्य के बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य ये आप स्वयं करेंगे, यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कक्षा में स्वयं करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, जब छात्र श्यामपट्ट व मूल्यांकन प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे, तब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे या करेंगी, वा
छात्रों को उनकी आवश्यकता पड़ने पर या उनकी सहायता अनुसार उनकी सहायता भी करेंगे। तो ये चीजें आप निरीक्षण कार्य में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य आप फिर से रिवीजन वर्क करा रहे हैं, ठीक है, कक्षा में। मूल्यांकन कार्य की बात की जाए तो यहाँ पर आप एक तरफ कह सकते हैं बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है, तो उस बेस पे आप चेक करते हैं बच्चों को कितना समझ में आया, इसलिए आप मूल्यांकन कार्य देते हैं। और अगर अभ्यास कार्य की बात की जाए तो आप टॉपिक का रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए आप ये कार्य देते हैं। इसमें भी आप प्रश्न दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 3 और 4 को ऐड करने पे कितना आएगा, ऐसे आप बच्चों को देंगे 3+1 5+3, ठीक है। तो ये बच्चे क्लास में करेंगे, उनका रिवीजन करवाएंगे आप। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा आपका गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कुछ प्रश्न देंगे, जैसे यहाँ पर दिया है प्रश्न सरल करो, इसमें भी आपने 2 गोलियाँ बना दी, यहाँ पर बच्चे ऐड करके लिखेंगे कितना आएगा। यहाँ पे आपने 3 टोपी या त्रिभुज या कुछ भी आप कह सकते हैं बना दिए आपने, यहाँ बच्चे काउंट करके लिखेंगे कितने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पाठ योजना संख्या 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप हर एक लेसन प्लान पे ऐसे ही अपने जो भी प्रधानाध्यापिका या अध्यापक होंगे या इंचार्ज टीचर होंगे या हेडमास्टर होंगे, ठीक है, उनसे आप विद्यालय की मुहर लगवा करके उनके साइन करवाएंगे। ये आप हर एक लेसन प्लान पे करवाएंगे और इस प्रकार आपका लेसन प्लान पूरी तरह कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 3 को लेकर के, जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 2 का है और टॉपिक रहेगा चिड़िया रानी चिड़िया रानी। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल्कुल आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।